नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कानपुर देहात में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें मां बेटी की मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। बता दें, झोपड़ी पर बुलडोजर का वार देखने को मिला है। कानपुर देहात में बड़ा हादसा हुआ था। बता दें, इसमें सियासत भी लगातार गरमाती जा रही है। कानपुर देहात में अग्निकांड को लेकर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को नजरबंद कर दिया गया है। ये आप जीएम ले एक बार अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिरकुआरा, ब्रजेश निर्मल, गोपाल जी, ये आप जीएम ले एक बार अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिरकुआरा। इस खबर पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ेंगे। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। जैसा कि कानपुर देहात में बड़ा हादसा हुआ, मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं इस पूरे मामले पर आप पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने जा रहे थे, आपको रास्ते में ही रोक दिया गया, क्यों आपको रोका गया? देखिये मयूरी जी, ये कोई हादसा नहीं है, ये एक सुनियोजित हत्या है जी। और जो सीधे भाजपा सरकार ने कराई, ये कोई हादसा नहीं है। एक माँ बेटी जो अपनी झोपड़ी में रह रहे थे, सरकार तो एक तरफ वादा करती कि सबको मकान मिल जाएगा 2022 तक, कहाँ दिखा वो मकान, और दूसरा उसका घर उजाड़ दिया, आग लगाकर उनको जिंदा मार डाला, जिंदा जला दिया। तो ये बिल्कुल कोई हादसा नहीं, ये सीधे सरकार के द्वारा कराई गई हत्या है। सवाल सीधा ये है कि आखिर क्या सब तरफ जो अतिक्रमण है वो समाप्त हो गया? एक गरीब परिवार को मकान तो दे नहीं पाए, उल्टे उनका और घर उजाड़ दिया आपने, बर्बाद कर दिया, उनको जला दिया, मार दिया। और जो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर हत्या है जो सरकार के द्वारा सुनियोजित साहित्य के तहत कराई गई, सिर्फ इसलिए कि वो परिवार ब्राह्मण था तो वो रह न सके उत्तर प्रदेश में। आखिर हम सवाल करते हैं आपके माध्यम से, इस प्रदेश की जनता का सवाल है कि तो उत्तर प्रदेश जी, में क्या ब्राह्मणों से मिलने जा रहे थे, आपको क्यों रोका गया? ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो शर्मनाक है, एक तरफ सरकार की मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं, एक तरफ जिंदा जलाते, उसके बाद अगर हम दुख दर्द बांटने जाते तो हमको आप रोकते? अरे रोकना था तो उन जालिमों को रोकना था जिन्होंने उन परिवार को जिंदा जलाने का काम किया, उनको तो रोक नहीं पाए मुख्यमंत्री जी। अरे हम पूछते हैं मुख्यमंत्री जी, अगर ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? आखिर ब्राह्मणों से इतनी आपके मन में नफरत क्यों, इतनी मन में आपके कुंठा क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है जी। अंशु जी, जैसा अभी आपने कहा कि दुख दर्द आप बांटने जा रहे थे, तो क्या डर है, आपको क्यों रोका गया? इसका जवाब सरकार को देखना चाहिए, सच्चाई उजागर है, वीडियो सामने है कि वो पीड़ित माँ बेटी अपने को घर में बंद की थी, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, उस लेखपाल ने आग लगाई, वो महिला चिल्ला रही कि मेरे घर में आग लगा दी, उसके बाद बुलडोजर चला दिया। तो आखिर इतनी नफरत क्यों, जिस प्रदेश के लोगों ने वोट देकर चुना था उनसे इतनी नफरत क्यों? सबसे बड़ा तो सवाल ये है, इस घटना की न्यायिक जांच हो, जो भी दोषी है, जो सरकार में बैठे ऐसे कौन से लोग थे जो निर्देश दे रहे थे, जिस पर इतनी विभत्स और हृदय विदारक कार्रवाई की गई, आग लगाने के बाद बुलडोजर जला के उनको दफन कर दिया गया, उनको जिंदा जला दिया गया, उन सभी पर कार्रवाई हो, उनको वही सजा मिले जो एक हत्यारे को मिलती, क्योंकि ये घर हादसा नहीं, ये हत्या है। अंशु जी, अब आपको रोक दिया है, आगे का एक्शन आपका क्या होगा? पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जहां तक जाना पड़ेगा हम वहां तक जाएंगे, हम झुकने वाले नहीं है। इस तानाशाही के खिलाफ सभी को लड़ना पड़ेगा, सिर्फ कांग्रेस और हमारी बात नहीं, क्योंकि ये आम आदमी पर अत्याचार था। अरे ये तो आपका वोटर था जिसकी आप तारीफ करते थे, जिसको आप कहते हैं कि वोटर जो मतदाता है वो हमारे लिए भगवान समान है, प्रदेश की जनता आपके लिए भगवान, कहाँ है भगवान समान? उनको तो आपने जो है इस ऐसे रामराज में उनको तो सीधे आपने असमय राम से मिला दिया। तो ये सीधे हत्या है, इस हत्या की जो भी दोषी है जिम्मेदार उनके खिलाफ जब तक उनको सजा नहीं मिलती हत्यारे की तरीके, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे।
अंशु जी, बीजेपी को कहां डर लग रहा है? अभी सपा के अमिताभ वाजपेयी को नजर बंद कर दिया गया, दूसरी तरफ आपको रोक दिया गया, किस चीज का उनको डर है? उनको डर है क्योंकि उन्होंने गलती की, डरता वही जो गलती करता है, उन्होंने गलती की है इसलिए उनको डर है। उन्होंने हत्या की है, बीजेपी सरकार ने हत्या की है इसलिए डर है। लेकिन हम हत्यारों को सजा दिलवाएंगे, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। पूरा मामला क्या है आपको बता दें, दरअसल मैथा तहसील के मडौली गांव में कृष्ण गोपाल दीक्षित परिवार में ये कह रहे हैं और बेटी नेहा, बेटे शिवम अंश बहुशाली के साथ रहते थे, गांव के बाहर उन्होंने खाली भूमि पर वाड़ा और झोपड़ी बना रखी थी। वहीं पास के एक चबूतरे पर शिवलिंग भी स्थापित किया गया था। इस भूमि को सरकारी बताते हुए गांव के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद बीती 13 जनवरी को प्रशासन ने भूमि को ग्राम समाज का बताते हुए कब्जा हटाने का प्रयास किया था। प्रशासन ने उनको कब्जा हटाने के लिए कुछ दिन की मोहलत दी थी, जिसके बाद उसे शाम को पीड़ित कृष्ण गोपाल अपने परिवार के साथ माटी मुख्यालय पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। खबर पर हमारे साथ नकुल दुबे प्रांतीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ेंगे। नकुल जी, कानपुर देहात में बड़ा हादसा हुआ, मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं प्रशासन की तरफ से पीड़ितों से मिलने वालों को रोक दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। हम लोग इस वक्त नवाबगंज टोल पर बैठे हुए हैं, ना तो हम लोगों को लखनऊ जाने के लिए छोड़ा जा रहा है, ना हम लोगों को कानपुर की ओर बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। ये जो अव्यवस्था और कुशासन चल रहा है विगत 5-6 सालों से, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और बुलडोजर अगर चला है तो बुलडोजर से मौतें होना शुरू हो गई हैं, और इसकी परिणति यही होनी थी जब मासूम और निर्दोष लोग मारे जाएंगे। और हम लोग बहुत ही इस बात को लेकर के आहत है कि आज जबकि हर व्यक्ति को उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए स्थान पर पहुंचना चाहिए, तो जगह जगह पर पुलिस लगा लगा करके ये योगी जी की सरकार पता नहीं क्या मैसेज देना चाह रही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से माताएं कहीं विधानसभा के सामने तेल डाल करके आत्महत्या कर रही है, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, और उनको ये मान लेना चाहिए कि उनके द्वारा जो है वो शासन सत्ता जगह नहीं चलाई जा सकती, जहां पर लोगों को इस तरह से झोपड़ियों में बंद करके और पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने आग के हवाले कर दिया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। इसके आगे और मुझे कुछ नहीं कहना। जी धन्यवाद नकुल जी हमसे जुड़ने के लिए। हादसा हो गया था जिसमें मां बेटी की मौत हो गई थी, वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमाती नजर आ रही है। वहीं सपा कांग्रेस पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करने जा रहे थे, जिनको रास्ते पर ही रोक दिया गया है, ताकि प्रशासन द्वारा इन सभी को रोका गया है। वहीं कांग्रेस और सपा की तरफ से लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।